हेलो एवरीवन, दिस इज़ AK22। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने क्रांटोसॉरस पकड़े थे, हाई लेवल वाले, जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी काम आएंगे अगर हमको बैटल करवानी है किसी से। तो मैं उसको वॉन्डरिंग पे छोड़ने वाला हूँ दोनों को, ठीक है। और अभी मैं हूँ मेरे सेकेंड बेस पे और ये है हमारा बैट्सी बॉय जो हमने पकड़ा था केवी में से, जो उड़ रहा है। और ड्रैको, इसका नाम हमने ड्रैको रखा था। इसको हम राइड नहीं कर सकते, पर ये भी अगर किसी से बैटल करनी है तो बहुत सही रहता है, ठीक है। अगर किसी ने, आपने में से किसी ने मेरी रियली बेस नहीं देखी है, तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें बना के रखी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्लेटफॉर्म्स है, स्मिथी है, फर्नेस है, चेस्ट, प्रिजर्विंग बिन, और ये रही वो केव जिसमें से इस बैट को पकड़ा था मैंने, ठीक है। इसके अंदर और बैट्स हैं तो उनको भी पकड़ना है, इसलिए मैंने ये ट्रैप बनाया था। ट्रैप बना के पकड़ा था मैंने इसे, ये बहुत इजी रहता है इसमें पकड़ना इसको। और मैं अपने फ्लैश को लेकर आया हूँ और ये मेरे दो वो है डिलोफोसोरस जो कि रेगुलरली अंडे देते रहते हैं। यह है स्लेज हमारा एनकाइलो, ये लो लेवल का है थोड़ा, ठीक है। इसे हम लेकर आए थे उस आइलैंड पे से, सामने जो आइलैंड दिख रहा है ना वाले। और ये हमारा ब्रोंटो है, इसके लिए ब्रोंटो ब्रूनो नाम रखा है हमने इसका। ये भी लो लेवल है, मुझे अब हाई लेवल, ओ इसका लेवल अप हुआ है, नाइस। गुड। और ये रहा हमारा क्रोको गर्ल सार्को, देन इधर मेगलाडॉन है हमारी शार्क, नाइस। इसकी क्या बढ़ाऊं मैं, स्टैमिना हेल्थ बढ़ाते हैं अभी तो इसकी, नाइस। और यहाँ पर एक और है बीकर हमारा छोटा सा पक्षी, ये रहा लंबी चोंच वाला जो बोट की तरह काम करता है पानी में, मस्त। इसको लैंड करा दो यहाँ पे, फिर ये बोट बन जाता है। स्पीड इतनी नहीं है पर मज़ा आता है। ए मछली, गुड, क्या बात है, 39 का डैमेज, होली गुड। क्या बात है, इसकी लंबी चोट से रेंज काफी खतरनाक है इसकी, वो कलेक्ट भी करता है साथ में। ओ वेट ज्यादा हो गया, थक गया। पर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पकड़ने वाले हैं एक राइनो को, वूली राइनो को। ओके, हम इसको यहाँ पर बैठा देते हैं। ओके थैंक यू, देखिए कितना पकड़ा है इसने मछलियाँ, ओह नाइस गुड। इसे तो नहीं देना है ना, नहीं इसके पास भी है, ठीक है सबके पास है, मैं इसे लेके जाता हूँ फिर। ओके तो मैं जाने वाला हूँ वापस अपनी जो मिडल बेस है उस पर, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना फास्ट है, देखो हम कितनी जल्दी पहुँचते हैं इससे। रुको इसका वेट, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ सामान है क्या, अंडे हैं दो, इसे ड्रॉप करो। ओके ओके दैट्स गुड, इसकी स्पीड इतनी फास्ट है और ये कितनी जल्दी पहुंच जाता है। और बीच में वाटर बॉडीज आती है, उनकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती हमको। और इसका स्टैमिना बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है, मतलब एक ये फ्लायर से भी बहुत तेज़ है। मुझे रास्ता पता नहीं है किस तरफ से जाना है, तो मैं बीच साइड से ही होते हुए जाऊंगा। ये देखो ये क्रॉस करना है, वू हू, ये आ गए हम इस तरफ,
रुको रुको, हम किधर थे? हमें जाना किधर था? अच्छा, उस तरफ जाना है। ओके, लंबी लंबी जंप मार मार के ये एकदम फास्ट हो जाता है। वो इधर रैप्टर, एक वल्फा रैप्टर शूट्स। यू कांट कैच अस बोई, यू टू स्लो। देखो इतनी देर से दौड़ लगा रहे हैं हम, और हमारी जो हेल्थ है, हमारा स्टैमिना अभी भी बरकरार है। हमको इस तरफ जाना है। इंटन, सही जा रहा हूँ मैं? हाँ सही जा रहे हैं। ये छोटे मोटे पत्थर वत्थर तो कुछ लगते ही नहीं हमारे सामने, हम ऐसे इनको जंप करके चले जाते हैं। ईहा, मस्त। डबल रिवर क्रॉसिंग, डबल जंप ही करता है ये। ए, अटकने का नहीं। नाइस। देखो एक ही रन में बिना रुके हम सीधे आ गए हमारी याली बेस पे। गुड बॉय, गुड बॉय फ्लैश। इसको तो मैं मस्त करने वाला हूँ, और इसका एनर्जी भी खतरनाक तरीके से रिकवर होता है। ओके, तो ये रहे हमारे रेक्स एंड स्पाइनो, नूब एंड एक्सरे। एंड दिस इज आवर जीरा और टैपिहारा, पर मैं इससे नहीं जाने वाला हूँ। मैं अर्जेंट हैविस को लेके जाऊंगा, ठीक है? तो वापस हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब, लुक एट दैट, अल्फा मेल कार्नेटो और ये रैप्टर है। मेल अल्फा नहीं है, 32 लेवल का है, 12 लेवल का अल्फा है। तो मैं इधर से निकलता हूँ, मेरे पीछे ना है बस नूबस्टर्स। बम्पा बम्पा पप्पा, छोटे मोटे रिवर तो कुछ नहीं लगता इसके सामने, इसकी जंप के सामने। ओह शूट्स, ओह ओके, हम आ गए हमारी बेस पे। That's good. अब हमको जाना है उस तरफ वूली मैमथ की तलाश में, और मेरे पास डार्ट्स हैं। मुझे जो चीज़ लेनी थी वो है क्रॉप। क्रॉप से मैं टेम कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास सुपीरियर किबल है नहीं, तो मैं इससे क्रॉप ले लेता हूँ। और ये जो अंडे मेरे पास है इनको हम रख देते हैं इसमें। मुझे एक सार्को का मिला था और एक डिलोफोसॉरस का मिला था, और ये पहन लेते हैं हमारा आर्मर, क्योंकि ठंड पड़ने वाली है वहाँ पर बहुत ज़ोरों की। ठीक है, 49 मेरे पास डार्ट्स हैं, होपफुली हम इससे कुछ कर पाए। ओके, देन मुझे चाहिए है ढेर सारा नार्को, अंडर नार्को तो चाहिए मुझे। खाना है मेरे पास, थैच इसमें डालो, फाइबर डालो। सिंपल केबल, रेगुलर केबल से कुछ नहीं होगा उससे, तो रेगुलर केबल मैं रख रहा हूँ इसके अंदर। ओह अरे यार, मेरे पास एक ही पड़ी है सुपीरियर केबल, एक्सेप्शनल केबल भी एक ही है, सब एक एक है। ठीक है, ले लिया हमने 100 नार्को ले लिया है। क्या लेना था अब नेक्स्ट? यहाँ पर एक ओवी राप्टर की ज़रूरत है, ये किससे डर के भाग रहा है? तो क्या चाहिए था, मैं भूल गया। मुझे उसको
सिक्योर करने के लिए वॉल्स चाहिए थोड़ी सी, और वुड फाउंडेशन ले लेता हूँ। वुड फाउंडेशन कितना लूँ? वुड फाउंडेशन ये ओवरवेट तो नहीं करेगा हमें? नहीं, क्रॉप चाहिए मुझे, क्रॉप 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 नीचे से लेकर आनी पड़ेगी मुझे। है ये एरोज रखो, इतने सारे एरोज का क्या करेंगे हम? 12 नहीं रखते, इसको स्प्लिट करके मैं हाफ कर लेता हूँ, हाफ चलेगा। ओके ठीक है इतना। ऑलराइडी तो ये हो गया, अब नीचे चलते हैं। ये पैरासोर कब से भाग रहा है देख रहा हूँ मैं, इसे किससे डर के भाग रहा है? देखे हमारी क्रॉप ग्रो हुई है क्या? सिक्स। ओ ये है ना सिट्रोनल, काम आएगा हमारे। ओ 100 पोटैटोस, होली। कोई नहीं, रखो रखो सबको साथ में रखो, पर हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ओके निकलते हैं, हमने जो सामान चाहिए था वो ले लिया है। अब इससे पहले कि हम इतने मोटे कोट में इस गर्मी भरे माहौल में उबल जाए, हम चलते हैं सीधे माउंटेन पे और सर्च करते हैं एक राइनो की। राइनो हियर वी कम। ये देखो इसकी स्पीड कितनी स्लो है, फ्लैश सही है, एक नंबर, मज़ा ही आ गया। उसकी सोचो अगर हम टॉप स्पीड कर देंगे तो कैसा भागेगा फिर वो, जस्ट इमेजिन। ओके तो मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से, और धीरे धीरे हमको हॉट लेते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक सर्च करते हैं गुली मामद की, लेट्स गो। ओके तो हम इस स्नोई एरिया में तो आ गए हैं। यहाँ पर मुझे एक राइनो मिला था, पर वो 36 लेवल का था, मुझे कम से कम 70-80 लेवल का चाहिए। और यहाँ पर एक ड्रॉप है, देखिए क्या है इसमें, होपफुली कुछ अच्छा मिले। ओ स्मिथी का ब्लूप्रिंट है, नहीं चाहिए। ये क्या है, एम्प्टी, ये भी मिलता नहीं है। क्रिप्टोपॉड क्या रहता है, कायरोपॉड। ओके अभी तक तो मुझे एक ही राइनो दिखा है, और मिलेंगे हमें क्या? मस्त लगता है ये जगह, वो इधर मैग्लोडॉन से। राइनोस, वुल्फ्स की कमी नहीं है इधर, भर भर के वुल्फ्स हैं, डेंजरस एरिया है। वो सामने दो राइनोस दिख रहे हैं मुझे, लेट्स सी क्या लेवल है उनका। एक कैल्कोथीरियम भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसी जगह में है जहाँ पर एक्सेस नहीं रहता है दूसरे एनिमल्स को। कम नीचे एक वो रहा, उसको देखते हैं कितना लेवल है इसका। कहाँ गया? 4 लेवल का ही है। वो ये आपस में लड़ रहे हैं क्या? नहीं, किसी को मार रहे थे देखें। ओ 108 लेवल का है, होली। और ये 16 लेवल का है, फीमेल है 108 लेवल की, शूट्स। अरे ये अर्जेंटाइविस इसके पीछे पड़ गए, वो कितने का है देखें उस तरफ, 8 लेवल का है ये भी, वो मार गिराया उन्होंने, नाइस। ये राइनोस तो गजब है यार। अब मुझे इनको अलग करना पड़ेगा और ऐसी जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा जहां पर मैं सुरक्षित रहूं।
वो देखो लड़ रहे हैं और मार भी दिया शायद, एक को तो मार दिया, दूसरा वाला भी मरने वाला है, मर गया दूसरा वाला भी। तो मुझे अब ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर मैं इसको थोड़ा अलग कर सकूँ, और इधर गिरा सकता हूँ क्या मैं इसे? अगर मैं उसको यहाँ पर लेकर आ गया तो ये मेरे लिए सेफ़ हो जाएगा और उसके लिए भी, क्योंकि फिर बीच में कोई रहेगा नहीं दूसरा प्राणी उस पर हमला करने वाला। सबसे अच्छी चीज़ रहती कि हम तो बच जाएंगे पर उसको कौन बचाएगा फिर, है ना? यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ यहाँ पर लोअर करने की। थोड़े से हम वो मारते हैं उसे, कौन सा वाला है देखने दो पहले। यहाँ बैठते हैं हम, यही वाला होना चाहिए। नहीं ये नहीं है, उस तरफ वाला है क्या? हाँ ये है, मोटा गेंडा। वो अर्जेंट है, उसके पीछे पड़ गया है क्या? नहीं, वो तो उसके ऊपर उड़ रहा है। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं ऐसे करके रखता हूँ इसको ताकि मैं कंट्रोल करके देख लूँ कि मेरे पास कोई आसपास है तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर भरोसा नहीं, कोई भी कहीं से भी कूद जाता है। मुझे अब डिफरेंशिएट करने दो, रुको। ब्लैक वाला इज अवर, ग्रे वाला नहीं, हमें ब्लैक वाला चाहिए। सिक, मस्त लग रहा है वो। तो मैं यहाँ उतरूँ क्या? उतरते हैं, हमारी डार्ट गन निकालते हैं और स्कोप इन करके सीधे मारते हैं उसको। बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग। एक तो गया नीचे, दैट्स मस्त मस्त है ये। नीचे इसको खींच कर लेकर आने के लिए इधर गया हूँ, मोटू इधर ही घूम रहा है। आ जाओ, कम एट मी ब्रा ब्रा। यही ही नाइस, अब दो राइनोज आ गए मेरे पास। व्हाट अ नूब्स्टर्स। अब हम ऐसी जगह देखते हैं जहां से मैं इनको ऊपर से शूट कर सकूं इजीली। कहां गए वो? हाँ ये खड़ा हुआ इधर पे। ओके यहाँ उतरता हूँ। अर्जुन, अरे यार उधर वुल्फ घूम रहे हैं, वुल्फी बॉयज घूम रहे उधर। इसको किसने चोट पहुंचाई? कैलिकोथीरियम मेरे को। लेट्स वेट हियर और अच्छे मौके का इंतज़ार करते हैं। ओके तो ये दोनों यहाँ पर ही घूम रहे हैं नीचे, मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक को मैं इस तरफ खींच कर लेकर आता हूँ। होपफुली जिसको हमें तलाश है, ब्लैक वाले को हम इधर लेकर आते हैं। ओके यू स्टे हियर, यहाँ पर इसको रखता हूँ। मैं अपना क्रॉसबो मारने वाला हूँ। ठीक है, दौड़ के मैं इधर आ जाऊँगा। दैट्स द ब्लैक वन, या फिर अगर ब्लैक वन नहीं आ रहा है तो हम ग्रे वन को ले आ जाते हैं इधर। पड़ा उसको, होली क्रैक रोनी। साला वो भी एग्रो हो गया, साले दोनों साथ में घूमते रहेंगे लगता है मुझे। What to do now? एक एग्रो होता है तो दूसरा भी एग्रो होता है फिर। दोनों को मार गिराना पड़ेगा मुझे लग रहा है।
पर पहले हम मोटू को गिराएंगे। मोटू इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेट्स सी। मैं फाउंडेशंस निकाल लूं, जैसे ही आएगा मैं लगा दूंगा इसको फटाफट से। मेरे को बस इनको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ की ये कैप्चर हो जाए। अभी एग्रो है मेरी तरफ नहीं है और नहीं रहेंगे शायद। तो मैं फाउंडेशन यहाँ पे लगाता हूँ। नाइस नाइस एंड इजी। ओके दैट्स मोर लाइक इट। मुझे एक और फाउंडेशन उस तरफ उस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। देखो ऐसा बनाया, अब उस तरफ कोने में, ताकि ये थोड़े से अलग हो जाए, एक उस तरफ चले जाए और एक इस तरफ आ जाए। साला एक मोटा आ जाता ना नीचे। एक मिनट, ये कितने लेवल का है? 8 लेवल का है। वाओ वाओ। या तो रहा इधर, इसको थोड़ा इधर लूअर करते हैं हम। ए मिस्टर वूली, कम ऑन ओवर हियर। डन 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 डन। आई थिंक ही स्टक, ही कांट कम ओवर हियर। ओ डियर, पता चला कोई हमें पीछे से ही मार के जा रहे। ये भाग गया वो तो, वापस भाग, वापस नहीं भागने का। ब्रो, ओह शूट। दिस इज अ वेरी गुड स्पॉट टू टेम। फंस गया वो। ए डूफस बेहोश हो गया। होली, वो कहाँ गया? रहा है ना वो उधर है, तो वो मैं ऐसे भी टेम कर लेता हूँ ना, जब हमें फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना टेम करे। बस मैं ना फंस जाऊँ उधर, तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी जगह रहती है ना ये फंसने वाली। तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। नाइस। मुझे डर लग रहा है उधर जाने में। शिट, एक्सेस इन्वेंट्री, इसमें डालो फूड। अब देखते हैं कितनी देर में टीम होता है। ये भी डाल देता हूँ मैं, इसे तो हो जाना चाहिए। और टेमिंग स्टार्ट भी हो गई इसकी। नाइस, गुड 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 गुड। अब इससे पहले, ओ माय गॉड आई एम सो स्टक। नो, जिसका डर था वही हो रहा है। नो, ए ट्रैविस, ट्रैविस कम ओवर हियर। ओए नूबस्टर, इधर आओ नीचे। गुड बॉय। ओ माय गुडनेस, दिस इज सो एपिक। होली शूट्स।
ओके, तो अब बचा है ये घुंचूराम। एक राइनो तो हमने कर लिया है। यहाँ से ऊपर आ सकता है? ये आ सकता, बिल्कुल आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। तो मुझे हमारे ट्रैविस को ए टेम हुआ क्या ये? भी नहीं हुआ है, हो जाएगा वैसे। तो उसका लेवल देखकर आने दो। हो जाएगा, हो तो जाना चाहिए। मैंने इसे क्रॉप्स खिलाई है। अब ये मोटू की बारी है, तो इसे भी मैं इधर ही बुला सकता हूँ। अरे भाई तुम्हें नहीं आना इधर, क्यों तुम इधर आ रहे हो फंसने के लिए? ये भी फंसेगा, 40 लेवल का है। फंस गए ना, बोला था मत आओ इधर, अब बैठे रहो यहीं पर ही फंस के। हमारे वुली मेहमत के ऊपर और चढ़ गया ये वुली, इसके ऊपर वो कहाँ गया हीरो हमारा, ब्लैक ब्लैक बॉय, ये रहा। तो इसे ज़्यादा ट्रैंक्स लगेंगे। ओके, तो हमें रेडी अप होना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं इसे इस तरफ लेने लेकर आने की कोशिश करता हूँ, इधर कोई है नहीं। तो हम अर्जेंट टैविस को यहाँ पर बैठाते हैं, होपफुली यहाँ तक वो दौड़ के ना आए और मैं उसे फंसा के रखूँ बस। ओके बॉय, यू स्टे हियर, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग। ओके, थोड़ा सा खाना खा लो। ऑलराइटी, यू वुली मैमथ कहाँ गया? वेयर इज ही? वो रहा शाड़ियों के पीछे। पिचिंग, एक पड़ा। होली, भाई ये तो भारी पड़ रहा है हम पे। शिट्स, आई एम सो डेड। चलो अच्छा, हमने यहाँ पर पास में बेड लगा के रखा हुआ है, पहुँच जाएंगे फटाफट। ओके, मैं आ गया हूँ वापस। मैंने अपना सामान ले लिया है और पॉकेट हमारा दोस्त हमें लेकर आया यहाँ पर। ओवर वेट क्या हो रहा है? वेट अर ये ठाक है भाई। उठ, ये ब्लू प्रिंट फेंको, फ्लिंट फेंको, ये फेंको, पैच नहीं चाहिए। ओके, ये भी मेरे इस इन्वेंट्री में आ गया है एक्स्ट्रा। स्टोन भी फेंक रहा हूँ मैं, होपफुली ये अब ओवर वेट हो रहा है, अभी भी इसका वेट ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसको देख कर आता हूँ, जो हम टेम करने के लिए हमने छोड़ के गए थे वो टेम हुआ भी है कि नहीं। ए नाइस, टीम हो गया क्या? गुड, मैं अगर इसे इधर बुलाऊं, बेचारा फंस गया वहाँ पर। ए कम ओवर हियर, सैड। ऐसी जगह क्यों बनाते हैं जहाँ पर ये ऐसे जानवर फंस जाए? हाँ, अब जब तक मैं अपना अच्छा वाला, ए इसका लेवल 23 है, अच्छा कम लेवल का था ये। अब मैं इस वुली को, मेहमत को भी अगर टेम कर लूँ तो भी इसको बाहर नहीं निकाल पाऊँगा फिर मैं। साले इस मैं उड़ा दिया था, मुझे इतनी दूर फेंका था उड़ा के। ओ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ए बॉय कम ऑन, यू कैन डू दिस। रुको, मैं इसके लिए अगर कुछ बना पाऊँ तो। कोशिश कर रहा है पर निकल नहीं पा रहा है ये इधर से। इसके नीचे अगर मुझे रैम बना पाऊंगा क्या मैं? लेट्स सी, फाउंडेशन के लिए थैच और वुड चाहिए हमें। नो 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 नो
और क्या था इसमें? स्टोन्स? नो। ओके देखते हैं अब बना पाऊँ शायद मैं, क्योंकि वुड मेरे पास है। फाउंडेशन के लिए और वुड चाहिए। वी कैन चॉप इट ऑफ ओवर हियर। आउच ब्रा ब्रा। ओके हमने कम से कम एक रायनो को तो टीम कर लिया। चलो एक आए हाय है, इसे रखो यहाँ पे। कहाँ गया वो मोटू? ओके दैट्स नाइस। और बना सकता हूँ क्या? और वुड चाहिए मुझे। वुड ही वुड। और ले लेता हूँ मैं। इसको ट्रैप करके ही। ओली मैं देखा ही नहीं था कि ये खड़ा हुआ है इधर पे। मुझे लग रहा है मेरे को इसको ट्रैप करके ही पकड़ना पड़ेगा, बिना ट्रैप के इसे नहीं पकड़ सकते। पकड़ तो सकते हैं पर बहुत मुश्किल रहेगा, तो मुझे एक प्लान के साथ आना पड़ेगा। प्लान आई एम स्टार्विंग। ओह शूट्स इज इट सर। ए वुली मेहमत तो बाहर आ गया। राइट बॉडी यू कैन ऑल्सो डू इट। मैं तुम्हारे रैम पुट कर रहा हूँ। ठीक है नाइस 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 नाइस। नाउ यू कैन स्टैंड। ओके ओवर हियर ओवर हियर। इधर लगाऊंगा तो फिर अगर मैं स्लोप बना पाऊँ तो सीलिंग बना पाऊँगा क्या मैं? सीलिंग वुड चाहिए। सीलिंग नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए रैंप। रैंप पर रूनी। रैंप कहाँ है इसका? वुडन रैंप 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 रैंप। रैंप अच्छा स्मृति में ही बनता है। ओके दैट्स अश्योरिंग। स्लोप्ड वॉल। वो ये बना सकते हैं, देखें बना के इससे कुछ होता है क्या? अरे ये तो ये है, हट ये किसे चाहिए है? नॉट दैट। थाच सीलिंग थाच स्लोप। प्लेस नहीं होगी ये। नो स्नैप पॉइंट। न्यू ब्रो यू हैव टू वेट। यहाँ फंसे हुए तो हो पर यू हैव टू वेट। होली शिट ये क्या हुआ? अब मैं इसमें से ये सिट्रोलन ले लेता हूँ, इसको हाफ कर देते हैं, इसको दे देते हैं, खाएगा बैठ के। ओके तो शायद हमारी किस्मत आज अच्छी नहीं है, मुझे थोड़ी और तैयारी से आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जो पीछे खड़ा हुआ है देखो वो रहा हमारा वुली और आइनो, वो तो हमने टीम कर लिया पर वो फंसा हुआ है वहाँ पर। तो जब तक हम उसको क्या फ्लायर जो उसे कैरी कर सके तो वो नहीं लाएँ जब तक उसको निकाल नहीं सकते। और ये वाला जो राइनो है कहाँ घूम रहा है? वो घूम रहा मेरे सामने जस्ट। इसके लिए मुझे ट्रैप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। ठीक है एक पूरा स्टोन का ट्रैप और ये यहाँ पर है तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पकड़ के रख सकता हूँ और ये भागेगा भी नहीं। अच्छी बात और ये है कि दूसरे कार्निवोर यहाँ पर नहीं आएंगे इससे लड़ने के लिए।
ठीक है, और मेमथ भी घूम रहे हैं यहाँ पर, इन्हें भी हम टेम कर सकते हैं, पर ये कौन से लेवल का मेमथ है वो देखना पड़ेगा, इधर बहुत सारे मेमथ हैं। ओके गाइस, सो इस एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम फुल ट्रैप लगाएंगे और इसे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके सी ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।